हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सब कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे और डाइलेक्ट्रिक के सेक्शन में फील्ड क्या हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप कैसे आ रहा है, वो सब तक कंप्लीट कर लिया था। आपको ध्यान होगा मैं बोलता हूँ कि पोटेंशियल ड्रॉप तक अगर मिल जाता है तो उस चीज़ का कैपेसिटेंस निकालना बहुत ईजी हो जाता है। सो लेट अस डिस्कस पार्शियली फील्ड कैपेसिटर क्या होगा। बच्चों देखते जाओ, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। तो इसको थोड़ा प्रॉपरली अपन पढ़ने का ट्राई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखो सर के पास क्या है बच्चों, एक कैपेसिटर है इस तरह का, देखते जाना क्या कर रहा हूँ मैं। ये कैपेसिटर होगा तो इसके पास सेपरेशन कितनी लिखी गई है, डी। इनिशियली ये एयर से फिल्ड है तो आप कह सकते हो सर एक एंड पे सिग्मा पॉजिटिव बनाइए, एक एंड पे सिग्मा नेगेटिव और अपना काम करते रहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव पॉजिटिव और इस एंड पे मैं क्या कर सकता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव करके इस तरह से बना सकता हूँ। हमने क्या लिखा है, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। इस पूरे विड्थ के एक पार्शियल रीजन पे हमने कॉमन एरिया दे करके एक कैपेसिटी डेवलप कर दी, एक डाइलेक्ट्रिक ला दिया बच्चों। इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। वहां तक चल जाता है। इसका खुद का जो थिकनेस होगा बच्चों वो रहता है टी। सबको पता है जो बाहर फील्ड होती हैं वो कितनी होती हैं, सर वो फील्ड मैक्सिमम होती हैं, उनका नाम होता है ई नॉट। सिमिलरली बच्चे लोग यहाँ पर भी अगर मैं फील्ड बनाता हूँ तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ई नॉट। बट इफ समबडी विल आस्क यू कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी फील्ड होगी तो उसको तुरंत बोलना भाई यहाँ पे ये फील्ड होती है, ई नॉट बाय के, ठीक है। ऐसे किसी इंसान का आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस, जिसके पास डी सेपरेशन हो, टी टाइम की थिकनेस हो। तो मैं बोलता हूँ बच्चों किसी का भी कैपेसिटेंस देखना हो इस चैप्टर में तो उसका एक ही रूल है, क्या, सी लिखो, पहली प्लेट का चार्ज लिखो और नीचे डेल्टा वी डाल दो, ये होता है रूल बच्चों, जिसको कॉमनली अपन क्यू बाय वी बोलते हैं। वी निकालने पर फोकस किया करो। और इसके बस प्रीवियस लेक्चर में आई हैव टॉट यू हाउ टू राइट द पोटेंशियल ड्रॉप इक्वेशन, बट बिफोर दैट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वरना क्या होता ना, यहाँ डी लिख रहा हूँ तो यहाँ एक्स वन यहाँ एक्स टू मुझको दो दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती, तो अपने काम को कम करने के लिए मैंने क्या करा, चालाकी दिखा के इस डाइलेक्ट्रिक में बिना कोई झंझट पाले मैंने अपने कैपेसिटर्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक को एक तरफ भेज दिया। ऐसा कर लेने से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये सेपरेशन आपका डी था, इस थिकनेस को आपने टी बोला, तो बच कितना जाएगा आप सोचो ना एक बार, ये डी है ये टी है, तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ बचेगा डी माइनस टी। ये करने के लिए मैंने इसको शिफ्ट करा है, हालांकि चल ये ही रहा है बट ज्योमेट्रिकली मैं इससे पढ़ाऊंगा। अब देखो जो खाली रीजन है वो डी माइनस टी का है और टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक में जो फील्ड जाती है बच्चों सभी जानते हैं ई नॉट बाय के, और यहाँ एकदम बेहतरीन वाली सबसे अच्छी फील्ड चल रही होगी। तो आप कहना कि सर जी यहाँ पे आप ज़्यादा एरो बनाएंगे, मैं बोलूँगा हाँ बच्चों बनाऊँगा। फिर बोलना सर जी आप यहाँ थोड़े कम एरो बनाएंगे, मैं बोलूँगा ठीक है बच्चों हो गया। एक एंड पे V पॉजिटिव है, एक एंड पे V नेगेटिव है, पूरा देश जानता है डेल्टा V कितना होता है, E इंटू डी। तो मैं लिखता हूँ सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ई वैक्टर डॉट डी वैक्टर, ये लाइन दिमाग में रखो सॉल्व करना है अगर ये चैप्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप बेसिकली ई डॉट डी होता है। तो यहां से लेके यहां तक का क्या करो आप, केवीएल लिख डालो, शुरू कर रहा हूं यहां से, ये हो जाएगा वी ऑफ पॉजिटिव, देखते जाओ आगे चल के गए। तो यहां से यहां तक चल के आऊंगा तो डिस्टेंस ट्रेवल करी मैंने टी और फील्ड था मेरे पास ई नॉट बाय के, तो हो जाएगा नेगेटिव डाल के E नॉट बाय के वॉज फील्ड और डिस्टेंस हो गया T। इसके और आगे चल के जाएंगे तो ये रही बच्चों फील्ड और ये रहा आपका डिस्टेंस, तो बोलना सर एक और नेगेटिव लगा दो क्या टेंशन है आपको, तो मैं बोलूँगा ठीक है बच्चों कर देता हूँ। जहाँ जाके रुकते हैं तो ये लगा लिए ब्रेक अपन ने और कर लो रियरेंज इसको, तो ये हो जाएंगे बच्चों V पॉजिटिव माइनस और V नेगेटिव। देखो ये इधर है ये उधर जाएगा, दोनों टर्म्स राइट साइड आ जाएंगे, मतलब बिल्कुल साफ है कि सर को बराबर करके लिखना चाहिए E नॉट बाय K टाइम्स T। कोई दिक्कत परेशानी भाई, ये चीज़ राइट आ गई, वो वाला टर्म भी राइट में ले आओ, बोलो जी सर ये हो जाएगा राइट में गए प्लस, ये हो जाएगा E नॉट और D माइनस T ब्रैकेट में डाल दो। मैं बोलूँगा क्या बच्चों इसको क्या बोलते हो आप, तो बोलोगे सर V
ई नॉट लिखा है, ई नॉट लिखा है, बाहर निकाल लीजिए तो हो जाएगा आपके पास ई नॉट ब्रैकेट में, ये टर्म्स पहले लिखते हैं अपन, तो डी माइनस टी मैं बच्चों पहले लिख रहा हूँ, और ये क्या है प्लस ऑफ टी बाय के। चाहो तो इतना छोड़ सकते हो, चाहो तो इसमें एक चेंज और कर सकते हो, वो क्या होगा देखते जाइए। वी नॉट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ प्लेट, ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा बच्चों लोग डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाय के। चलते जा, चलने तो इसको और आगे लेके चलते हैं, वी बराबर हो जाएगा क्यू बाय ए एप्स क्यू बाय ए, और यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। भैया इसकी वैल्यू होती है ये, है ना, चैप्टर वन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिग्मा इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म्स डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अगर यही पे आंसर दिख रहा है मुझे कोई आपत्ति नहीं बच्चों, इस टर्म को उठा करके यहाँ डाल दो और लिख डालो व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एग्जाम में आएगा ये लिखा ये बनाया दो लाइन डाली आंसर मिल गया, यहाँ तो टाइम पास कर रहे हैं सर बस, ठीक है। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों कैपेसिटी का फॉर्मूला, ये लिखा है कैपेसिटेंस सी बराबर होता है क्यू बाय वी, इसको लिख सकते हो क्यू डिवाइड बाय, और V की वैल्यू होती है Q डिवाइड बाय एक बार आएगा A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी बाय के। मैं उम्मीद करता हूँ इसको याद रखोगे आप लोग, इसको हटा दो। अब ये एक्सप्रेशन पैरेलल प्लेट की तरह थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो जाता है, तो देखो आ गया आंसर C बराबर A एप्सिलॉन नॉट इन न्यूमरेटर्स, और नीचे D आने की जगह पे D आएगा माइनस ऑफ T प्लस ऑफ T बाय के। कुछ कुछ बुक्स में प्यारे बच्चों ऐसा दिखाई देगा, A एप्सिलॉन नॉट लिखा रहेगा यहाँ पे T बाहर निकालेगा, वो ध्यान देना। तो D माइनस T कर लेता हूँ मैं भी, और 1 माइनस 1 बाय के कर लेता हूँ मैं भी, तो ये हो गई आपकी राम कहानी खत्म, इसका आंसर हो रहा। चाहो तो ये लिख लो, चाहो तो ये लिख लो, मैं एडवाइस करता हूँ ये वाला याद करो, क्योंकि कई बार क्या होगा कई सारे प्लेट लगे रहेंगे तब ये काम आया सर ने ऐसा कुछ बोला था अपन को। क्या लिखा है डी माइनस टी प्लस टी बाय के, और स्टैंडर्ड डेरिवेशन देना है स्कूल में, मतलब थ्योरी पे क्वेश्चन आ जाए कैपेसिटर का, क्या करोगे सर जी ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस सी इन ब्रैकेट्स वन माइनस वन बाय के। ये पूरा नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, और डायरेक्टली आ जाता है बच्चे क्वेश्चन, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर्स, ओके। तो आगे बढ़ रहे हैं अपन, इतना नोट कर लो फिर अब करता हूँ, ठीक है चलो। तो बच्चों चलो अपन क्या करते हैं, पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर के डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल केस समझ लेते हैं। स्पेशल केसेस में सबसे पहला जो केस आएगा वो ये कहेगा एक कैपेसिटी की जगह पे कई सारे पैरेलल कैपेसिटीज कनेक्ट कर दिए गए। लेट मी शो यू, ये आपके पास बच्चों हो गया कैपेसिटर, मान लो इसके एक एंड पे एक एंड से मैं कैपेसिटीज अलग अलग भरते चले जाता हूँ, ये ऐसे ऐसे करके बच्चों एन नंबर तक आ गया। तो बोलो सर कोई दिक्कत नहीं, आ जान दो सबको आ जान दो, बोला हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से K1 कर लेना, इसका नाम बच्चों K2 कर लेना, इसका नाम आप K3, और लास्ट वाले का नाम KN। उनकी जो थिकनेस होगी बच्चों वो ये बोल सकते हो कि सर थिकनेस भी इनकी अलग अलग होने दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो T1 यहाँ हो जाएगा, T2 ये हो जाएगा, T3 और लास्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा बच्चों TN। ले देकर इन सबका जो एल्जेब्रिक सम आएगा वो D से ज़्यादा थोड़ी आ सकता है, कितने हो जाएंगे दो चार पाँच दस, दो तीन से आगे आ गया, नहीं ऐसी बात कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चों कैपेसिटी हो गया। व्हाट यू कैन सी, अभी आगे चल के ये बॉक्सेस बने बने भी आएंगे, है ना, वेट फॉर दैट टॉपिक्स। अभी समझ लो कि पार्शियली फिल्ड कैसे हो सकता है। तो देर कैन बी वन डाइलेक्ट्रिक, देर कैन बी टू, एंड देर कैन बी मैनी। सो आई कैन राइट इफ देर आर एन नंबर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देखते जाओ नोट करते चलो, वो बेस्ट सबसे बेस्ट होता है, पढ़ रहे हैं पॉज करके नोट कर ले फिर आगे पढ़ा। तो देर आर एन नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स प्लेट्स इंसर्टेड, ऑल राइट। देखो आपको पता होता है पार्शियली फिल्ड का आंसर क्या आता है, मैं स्टैंडर्ड आंसर लिख के दिखाता हूँ। न्यूमरेटर में आएगा बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाय के। मैंने कहा था बच्चों ये वाला याद किया करो, ये ज़्यादा इफेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करके देगा आपका।
अब मुझसे बताओ बच्चों, एक बात मैं अगर पूछूं, ये लिखा है ए, ये लिखा है एप्सिलन, तो ध्यान देना, डी वॉज द सेपरेशन, टी क्या हो जाएगा? सर माइनस टी वन माइनस टी टू, ऐसे करते करते हम माइनस ऑफ टी एन तक आएंगे। फिर मैं बोलूंगा बच्चों यहां लिखो टी वन बाय के वन प्लस क्या बोलोगे टी टू बाय के टू, ऐसे करते करते कहां तक आओगे? यहां एक प्लस लगा लेना, ठीक है, ऐसे करते करते कहां तक आओगे बोलो? आप आओगे बच्चों टी एन और के लास्ट वाले तक। सोचो क्या बोल रहा है टीचर, भाई सेपरेशन मेरे पास डी है, एक टी था तो ये फॉर्मूला था डी माइनस टी बाई टी बाई के। अब ढेर सारे लगे ले टी वन माइनस टी टू माइनस टी थ्री और माइनस पे चले जाएगा ये। तो अगर मैं यहां से बात करूं बच्चों इसको ढंग से लिखने के लिए, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देते रहे सब, और यहां देखो By the geometry itself, you can write this separation. बच्चों देखो ये हो जाएगा T1 plus T2 से करते करते जितने होंगे वो उससे आगे थोड़े निकल जाएंगे, और इस चीज़ को बच्चों यहाँ डाल दोगे तो ये पूरे मिलके इसको उड़ा देंगे। तो आंसर हो गया तुम्हारा T1 by K1 plus T2 by K2, ऐसे करते करते हमें जाना है जब आखिरी उसकी सांस तक। और ये हो गया आपका कैपेसिटी व्हेन वी आर स्टडिंग इन पार्शियल। इसको बॉक्स में डाल लो, पेपर में आया तो डायरेक्ट मार्क कर देना, या न्यूमेरिकल आया तो तड़ से करके दे देना भाई, दो या तीन आएंगे, दो सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर पाँच सेंटीमीटर ऐसे लगे रहेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस, ये सर ने इस तरह का सिखाया हुआ है, तीन का आ चुका है बस, के वन के टू के थ्री आएगा तो के वन के टू और के थ्री, T1, T2, T3 बस, और कुछ से नहीं करेगा वो आपसे, मत हो परेशान इतना, है ना, इजी क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये हमारा हो गया बच्चों फर्स्ट स्पेशल के सॉल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लो, रब करने वाला हूँ। तो बच्चों इसका सेकंड जो पॉसिबिलिटी बनता है स्पेशल केस में, वो कहता है अगर आपकी स्लैब ने पूरी तरह बच्चों स्लैब स्पेस को फिल कर दिया, तो मैं किस तरह बताऊंगा इसको, जो टी होता है थिकनेस बच्चों वो बराबर किसके आ जाएगा आपके डी के। जस्ट सी क्या कर रहा हूँ मैं, ये मेरे पास था कैपेसिटी और इसके पास बच्चों ये आपका टर्म आ रहा है वो क्या हो जाएगा डी। आपने क्या किया ना बच्चों, अब की बारी हमने इसके दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं, देखो ये वाले टर्मिनल्स, इस पूरे रीजन पर आपने क्या कर दिया बच्चों, अपने डाइलेक्ट्रिक को ला करके रख दिया, ये रहा डाइलेक्ट्रिक बच्चों, ये हो जाएगा के, ठीक है, ध्यान दो डाइइलेक्ट्रिक की वैल्यू हो गई के और ये हो गया डी। बस एक जनरलाइज फॉर्मूला याद रखो कि पार्शियली फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं याद करवा देता हूँ, होता है बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखते हो डी माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ टी बाय के, कुछ याद आ रहा है? अब देखो ये किसके बराबर है, ये वैल्यू बच्चों अगर यहाँ रखोगे तो ये तो कट जाएंगे, क्या आ गया आंसर सी, अगर कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, ये क्या हो गया बच्चों कम्प्लीटली फिल्ड की कैटेगरी अगर अपन ने पढ़ ली तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका थिकनेस डिवाइड बाय के, जो हो जाएगा के टाइम्स ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय टी। बेसिकली ये क्या है, इसको ये भी तो लिख सकता है टीचर के ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो डी के बराबर है बच्चों, क्या दिक्कत है आपको? तो ये चीज जो है बच्चों वो पुरानी वाली कैपेसिटी है, और जो मैं आपको आज बात बोलने जा रहा हूं वो याद रखें, जब पूरी तरह अपन भर देंगे डाइलेक्ट्रिक का रिगार्डलेस ऑफ द बैटरी कनेक्टेड और बैटरी रिमूव्ड, कैपेसिटी हर बार बढ़ेगी बच्चों, वो होती है नई वाली कैपेसिटी इक्वल्स टू सीड नॉट टाइम्स, ये आ गया आंसर भाई। तो हम लिखते हैं व्हेन, ठीक है, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इस इंसर्टेड, ये मैंने शायद लास्ट टाइम में बोला भी था एक बार आपको, इस इंसर्टेड कंप्लीटली इन द, ठीक है बच्चों वो अपने स्पेस, उसमें आप बोल सकते हो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ई नॉट बाय के, वी कितना हो जाएगा बच्चों वी नॉट बाय के, याद कर लो, और जो तुम्हारा सी है वो हो जाएगा पुराना वाला सी में के का मल्टीप्लाई, तो ये बढ़ता है बच्चों,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, वोल्टेज भी कम होगा। ये तब लिखा गया है जब उसके पास चार्ज कैसा है, ये तब लिखा गया है बच्चों जब उसके पास चार्ज क्या है, कॉन्स्टेंट। एक कंडीशन आती है जहाँ पे पोटेंशियल भी बढ़ता है, आई टीच यू, है ना, बढ़ता नहीं है, कॉन्स्टेंट रहेगा, डोंट वरी। ठीक है, जब बैटरीज कनेक्टेड कर दूंगा ना तो ये टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएगी उस केस में। तो हल्ला मत करना, मैं यहाँ बैटरी हटा के पढ़ा रहा हूँ, चार्ज कॉन्स्टेंट करके पढ़ा रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें। पोटेंशियल तो हर बार कम ही होना है आपका, अगर आपने डायलेक्ट्रिक डाला है तो। ऑल राइट, नोट कर लो, और ये वो चीज़ पढ़ ली हम लोगों ने जब आपने क्या किया, कम्प्लीटली इसको बच्चे लोग फील्ड करके पढ़ा। तो ये डायलेक्ट्रिक बच्चों आपका कम्प्लीटली क्या कर रहा है, उस स्पेस को फील्ड कर रहा है। याद रखो ये वाला एक्सप्रेशन कई बार न्यूमेरिकल में काम करेगा, ठीक है। NCERT में प्रॉब्लम 6 और 7 है, वो इस पे बेस्ड है, K से मल्टीप्लाई करना है, बात खत्म। K की वैल्यू शायद वहाँ पर 6 दे रखी है, 6 टाइम्स द कैपेसिटी, दैट्स ऑल, इतना क्वेश्चन है वो। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन है, वो कहती है इफ अ कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड, डाइलेक्ट्रिक की जगह पे अब टीचर क्या करेगा, कंडक्टर को ला के रखेगा, तो क्या कहते हैं उसको? लो भाई, इन्फाइनाइट होता है ना। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, ये आपका क्या हो जाता है, ओरिजिनल कैपेसिटर, जिसके पास सेपरेशन कितना रहेगा बच्चों लोग, डी का। आपसे कहा जाएगा इतने एरिया में अब मैं कंडक्टर को ला के रख दिया हूँ, क्या फील्ड होगी? नहीं। अगर बच्चों फील्ड नहीं है तो कोई भी बच्चा कह सकता है भाई जब तूने फील्ड ट्रैप ही नहीं करी तो मैं तेरे को काउंट ही क्यों करूँ। द पर्पज ऑफ कैपेसिटर इज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे फील्ड होती है स्टोर करने के लिए, ट्रैप कर लेता है। तो द ओनली रीजन हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ पॉजिटिव, यहाँ हो जाएगा सिग्मा ऑफ नेगेटिव, इसको सिग्मा नेगेटिव और इसको सिग्मा पॉजिटिव कर लो, वो इसके आसपास आप ऐसा बना दोगे। बच्चों इस एक्सप्लेनेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हर चीज़ जान रहे हो यहाँ से। मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, सोच के बोलना एक बार कि सर आप तो ज्योमेट्री के हिसाब से बात करिए, ये हो जाता है टी, ये हो जाता है, देखो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी माइनस ऑफ टी। यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है क्योंकि ये कंडक्टर है, और यहाँ जो फील्ड होगी वो बढ़िया वाली होगी। तो एक बात बताऊँ बच्चों आपको, जहाँ तक फील्ड बनती है ना उतना ही कैपेसिटर काउंट होता है और कुछ नहीं काउंट होता। चाहो तो फॉर्मूले से प्रूफ कर लो, मैं करके देता हूँ। ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, बोलते जाओ, ये आता है डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अगर किसी इंसान के डिनोमिनेटर में इन्फानाइट है तो क्या हो जाएगा बच्चों, सोच के भी देखोगे तो आंसर मिल जाएगा, ये रहा भाई, हटा दे। तो कैपेसिटी व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस यू नीड टू राइट ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी माइनस टी। आप ये वाला ऑप्शन मार्क करेंगे बिना कोई डिबेट करे, खत्म, ये रहा, इतना ही कैपेसिटर है, इतना नहीं है, जितना में कंडक्टर आएगा छोड़ देना भाई, तू जा मुझे नहीं बात करनी, सॉरी ऐसा मत बोलना, बुरा मान जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक का क्लियर है, और केस देखते हैं इसके। ऑल राइट बच्चों, बढ़ता जाएगा और वो एक और बार आके काम कराएगा, हम जो वो टग ऑफ वॉर वाला काम चल रहा है वो उसको घूंसा मारेगा, ठीक है। ऑल राइट बच्चों, एक लास्ट केस समझते हैं। कहता है स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज कंप्लीटली फिल्ड विथ अ कंडक्टर, ये देखते ही बच्चों साइड में ना इन्फानाइट डाल दिया करो। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब है जो सेपरेशन होगी वह थिकनेस के बराबर हो जाएगी। यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम इवन, स्टिल हम पढ़ते हैं इसको बच्चों। ये आपके पास जो दो प्लेट थे, आपने क्या करा, इस पूरे रीजन पे क्या करके लाए बच्चों, एक कंडक्टर को ला के डाल दिया। क्या करते हैं हम इसको, एक कंडक्टर की तरह के बराबर इन्फानाइट लिख लेते हैं। ले भाई देखना कितने ज़्यादा फॉर्मूले से आप इसको प्रूव कर सकते हो। सो फॉर इंस्टेंस, अगर सर के पास ये जो सेपरेशन है वो डी और टी बराबर हो गए, तो एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मिल जाएगा मुझे आंसर, वो क्या है, देखो कैपेसिटी होता है बच्चों किसी भी इंसर्शन वाले टॉपिक में डी माइनस टी प्लस ऑफ टी बाय के। हाँ, डी और टी तो हटा दो, वो देखो क्या बच रहा है, बस अकेला ए एप्सिलॉन नॉट और टी बाय
के बच रहा है, अब के की जगह पे क्या आएगा, इन्फानाइट। चाहो तो ऐसा बोल दो किसी के नीचे इन्फानाइट है तो वो जीरो हो जाएगा और पूरा इन्फानाइट हो जाएगा, और या तो इसको ऊपर भेज दो बेचारे को, तो नई वाली जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, इन्फानाइट। इसका ये मतलब होता है ना कि व्हेन यू विल बी कनेक्टिंग इट विद अ पोटेंशियल ड्रॉप, तो बिकॉज ऑफ इट इज अ कंडक्टर, ये एक एंड पे बच्चों चार्ज लेता जाएगा और एक एंड से चार्ज रिलीज करता जाएगा। तो उधर से बैठ के अगर कोई देखेगा तो बोलेगा अरे कितना खा रहा है, ये चार्ज लेते जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा। तो एक एंड से देखने के बाद हम कह सकते हैं द कैपेसिटी बिकम्स इन्फाइनाइट। आई कैन राइट कैपेसिटी, capacity becomes infinite, ठीक है। चाहो तो इसको दूसरे वे से भी कर सकते हो कि सर नया वाला capacity होता है पुराना वाला capacity multiply by k, since this is infinity so my answer is infinity, कोई दिक्कत नहीं मेरे को बच्चों। ऐसे भी कर सकते हो, सर जी जो हमारा कंडक्टर होता है ये ना कंडक्टर, इस कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल की ड्रॉप ही नहीं होती, द कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो आई कैन राइट कंडक्टर इज, कंडक्टर इज यहां लिखा हुआ इक्वी, फिर देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलोगे कि कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू बाय डेल्टा वी, अब भैया ये कितना होगा, अगर वी कांस्टेंट है बच्चे लोग जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू बाय जीरो विच मीन्स इन्फानाइट। अरे कुछ भी करोगे ना बच्चों आंसर तो इन्फानाइट ही इन्फानाइट देता जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ, अगर कोई पेपर में ऐसा बोल दे कि ये जो दो प्लेट दिख रही हैं इन दो प्लेट के बीच में कंडक्टर नहीं लाया है, लेकिन नाटक करने के लिए उसने क्या किया है, एक वायर लगा दिया है, ये वाला वायर दो प्लेट को कांटेक्ट में ला दिया है, तब भी बोलना भाई ये वायर है और इसने दो पॉइंट्स को जोड़ दिया है, मतलब देयर इज नॉट पोटेंशियल ड्रॉप अवेलेबल। अब जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, वायर लगाते ही बोल देना ले भाई मैं तो ऐसा बोलूँगा डेल्टा वी जीरो बोलूँगा, इसका मतलब है यहाँ पर ही बच्चों आपका वही केस आएगा। ये थोड़ा लाइट चल रहा है बच्चों, कैपेसिटी हो जाएगा आपका क्यू डिवाइड बाय, एक एंड से ना ये चार्ज खाता ही जाएगा, चुप ही नहीं होगा ये, देखो देखो यहाँ से बैठ के ली जा रहा है चार्ज और यहाँ से ये चार्ज अपन को देता जाएगा। बैटरी पढ़ाऊंगा अभी करंट चैप्टर में, वेट फॉर दैट मोमेंट। तो मैं लिख सकता हूँ ये जीरो का टर्म होगा डेल्टा वी, मतलब क्या होगा इन्फानाइट। पूरे पेज पे देख लो, ये कर लें, ये कर लें, इससे कर लें, इससे कर लें, डायग्राम से कर लें, सबसे क्या आंसर मिल रहा है, सबसे एक ही आंसर मिल रहा है, इफ कंडक्टर इज प्लेस आई नीड टू मार्क द ऑप्शन दिस वन इनफाइनाइट, दैट्स ऑल बच्चों, ठीक है। नोट कर लीजिए इन चीज़ों को, पॉज करके वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया करो, कहीं कुछ डाउट आया करो तो कमेंट्स में डाला करो, आई ट्राई टू आंसर दैट एज मच क्विकली एज पॉसिबल एंड आई ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। माय नेम इज राज मौर्या, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर, और आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, चलो।